बनाएंगे। हमारे बीच में भुवन सिंह जी धारी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है आदरणीय भुवन सिंह जी धारी। अब मेरे बहन भाई मोती सिंह जी, माँ चामुंडा के चरणों में नमन करता हूँ, जगत जननी माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्री श्री एक हजार आठ सदैव गुरुदेव स्वामी जी की ढाणी राहुलपुरी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलिए चामुंडा माते की। आज इस मंच के माध्यम से मैंने मेरी जिंदगी के अंदर क्या कुछ कमाया मुझे पता नहीं, लेकिन आज इन युवा साथियों के माध्यम से इतनी बड़ी तादाद के अंदर युवाओं को कह सकता हूं मैंने जीवन के अंदर बहुत कुछ कमाया, अब पीछे कुछ रहा नहीं। आप सभी युवा साथियों ने इतनी बड़ी संख्या में पधार कर अपने भाई को जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, इससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ जिंदगी में हो नहीं सकती। अलग अलग जगह से, भिन्न भिन्न स्थानों से, गांवों से पधारे हुए समस्त प्रबुद्ध नागरिक जनों, समस्त युवा साथियों, आप सभी अपने भाई की ताकत को मजबूती प्रदान करने के लिए यहां पर पधारे हैं। बोलिए करणी माते की, बोलिए नागणेची माते की, बोलिए सांग्या माते की, बोलिए खेतेश्वर भगवान की, बोलिए राजा राम जी भगवान की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए ऋषभ देव जी भगवान की, बोलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए तेजा जी महाराज की, बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित 36 गांव के युवा साथियों, आप सबके जोश में जुनून है, उत्साह के कारण आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो केवल आप सभी युवा साथियों की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। बंधुओं, बारहवीं करने के बाद मैं जब गांव को छोड़कर यहां तक आया था, एक डगमग की स्थिति थी, मेरे मन में भी एक सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए एक बस में बैठकर यहां तक आया था। लेकिन यहां पर आया, पहले आते ही हनुमंत राजपूत श्री राजपूत हॉस्टल के अंदर प्रवेश लिया और श्री राजपूत हॉस्टल की धारा पर आते ही मैंने बड़े भाई साहब कुणाल सिंह भाटी के चुनाव के टाइम में अपनी प्रथम भूमिका निभाई छात्र संघ चुनाव के अंदर। उस समय से ही आप सभी युवा साथियों का भरपूर प्यार और सहयोग मुझे मिला। मुझे लगा कि युवा साथियों का मुझे सहयोग मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है। मैंने मजबूती के साथ में बिना कोई भेदभाव के निस्वार्थ भाव से हमेशा भाई के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहा। उसके बाद में एक समय आया, राजेंद्र सिंह जी वाले से चुनाव लड़े तो उनके साथ में भी बिना कोई शर्त के निस्वार्थ भाव से मोती सिंह परसुण खड़ा रहा। उसके बाद में फिर 36 गांव के युवा साथियों ने तय किया और फिर मन में आया तो मैंने फिर से मूल सिंह जी क्षेत्रवा चुनाव लड़े तो मूल सिंह जी क्षेत्रवा के साथ में भी आपका भाई खड़ा रहा बिना कोई स्वार्थ। उसके बाद में जब बारी आई, जब समाज के लोगों ने मुझे निवेदन किया, मैं पिछले 18 साल से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहा था, मैं लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर कार्य कर रहा था। बंधुओं,
लेकिन जब समाज की बात आई, छत्तीस कौम के युवाओं की बात आई, रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा तो मैंने संगठन को एक तरफ रखा और सभी युवा साथियों ने निवेदन किया तो भाई रविंद्र सिंह के साथ में खड़ा। जब कोई भी भाई खड़ा हुआ बिना निस्वार्थ भाव से, मोती सिंह फर्शोन आज जो स्पीच दे रहा है, हर बार हर भाई के साथ में इसी मजबूती के साथ में खड़ा रहा हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज जब मेरी बारी आई, मुझे खुशी होती कि मैं जिनके साथ में खड़ा था तो वो भाई भी मेरे साथ में यहां खड़े होते तो मेरा भी जीना छोड़ा होता। बलुआ व्यक्ति को पता कब चलता है, व्यक्ति को जब जरूरत होती है तो उसके साथ में जो भाई उनके साथ में खड़े रहते हैं ना, तब पता चलता है कि संकट के समय उसके साथ में कौन खड़े रहते हैं। मेरे पीठ के पीछे मां चामुंडा है, बीच में गुरुदेव का आशीर्वाद है और सामने युवा शक्ति विराजमान है। इससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। मोती सिंह फलसूण का जीवन, मोती सिंह फलसूण का जीवन खुली किताब है, जो अंदर हूं वही बाहर हूं। मुझे राजनीति नहीं आती साहब, मुझे गोटियां खेलनी नहीं आती, लेकिन आपको विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, ये भीड़ का नजारा बता रहा है कि हवा का रुख किस तरफ है। समझने वाले समझ जाएंगे, तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा और जैनान विश्वविद्यालय का राज भी बदलेगा और उस राज सिंहासन पर ये 36 कौम की युवा शक्ति विराजमान होगी। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बंधुओं, आप मुझे बताइए मैंने जिंदगी के अंदर कहां गलती की। पिछले 7 सालों तक 36 कौम के युवा और सब प्रबुद्ध नागरिक जन एक भी जगह मुझे बता दीजिए जहां पर मोती सिंह फलसूण गलत था। जब गलत नहीं था तो समाज की बात क्यों आती है? बंधुओं, लोग कहते हैं कि समाज के साथ में खड़े रहिए, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या एक बंद कमरे के अंदर दो लोग बैठ कर तय करते हैं वो समाज होता है, या फिर मेरे साथ में सामने उपस्थित समस्त युवा शक्ति आप सभी तय करोगे वो समाज होता है? ये मुझे आप बता दीजिए। वहां ले जाया गया एक गाड़ी के अंदर और हमें पूछा गया तो उसमें एक सज्जन ने जवाब दिया कि हमें तो ये व्यक्ति जो कहेंगे हमारा वो फाइनल है। लेकिन मैंने क्या जवाब दिया बंधुओं? मैंने कहा मेरे जो युवा शक्ति है वो जो कहेगी वो फाइनल है। अगर मेरी युवा शक्ति, 36 कौम के युवा, 36 कौम के युवा अगर ये कह देंगे कि मोती सिंह फलसूण आप गलत हो और आप बैठ जाओ कोने में जाके, तो मोती सिंह फलसूण चूम भी नहीं करेगा और अपने बोरिया बिस्तर बांध के फलसूण चला जाएगा। लेकिन कम से कम आकर तय तो कीजिए, धरातल को देखिए, वास्तविकता को देखिए, मैं कहां गलत था, कहां गलत हूं, अगर गलत नहीं हूं तो ऐसा क्यों? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या पिछले 7 सालों तक मैंने अपने मुख से किसी व्यक्ति को कड़वे शब्दों से अगर बात भी कह दी है तो भी बता दीजिए। जहां तक हो सके मैंने सम्मान ही किया है। बंधुओं याद रखिए, कई लोग हो सकते हैं जो धन बल के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं,
कई लोग बड़े बड़े होल्डिंग्स के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं, कई लोग बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं, कई लोग अलग अलग लोगों के माध्यम से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मोती सिंह फरसोड़ अगर चुनाव लड़ रहा है तो मेरे 36 कौम के युवा साथियों के आशीर्वाद की वजह से चुनाव लड़ रहा है। आपका आशीर्वाद ही पिछले 3 महीने से मुझे यहां तक पहुंचाया है। कुछ लोग कहते हैं कि मोती सिंह फरसोड़ हॉस्टल के 10x10 कमरे के अंदर रहता है, वो क्या कर सकता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं आज 10x10 कमरे में रहने के बाद भी, एक गाड़ी होने के बाद भी इन युवा साथियों का आशीर्वाद अपने भाई के साथ में है। मैं उन अग्रिम पंक्ति में बैठे हूं, पिछले थर्ड लास्ट पंक्ति में बैठे उस युवाओं की आवाज हूं, एक ग्रामीण क्षेत्र में आने वाला इस युवाओं की आवाज हूं जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के अंदर पहुंच नहीं सकता, अपनी बात को विश्वविद्यालय के सामने रख नहीं सकता, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन दूर दराज से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के अंदर दूर दूर से युवा अपनी उम्मीदों को लेकर इस विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं। उनका एक सपना होता है कि यार यहां हम आए हैं तो कुछ करके जाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, यह हर युवा का सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए युवा शक्ति आई है और मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है। अभी जब चुनाव की डेट आई, मीडिया ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया, सबने अलग अलग बात रखी, मुझे कहा कि आपका क्या मैनिफेस्टो है, मैंने कहा ये चुनाव जातिवाद से ऊपर उठकर चुनाव हो और ये चुनाव मुद्दों के ऊपर हो, स्टूडेंट हित के ऊपर हो, स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है बंधुओं, केवल एंड केवल जो छात्रों की हित की बात करे और जो छात्र हित की आवाज को उठाए। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो युवाओं के बीच में रहकर युवाओं का काम करे, ऐसा छात्र संघ अध्यक्ष अगर चुनना है तो आप सभी को तय करना पड़ेगा, क्योंकि उसूलों पर जब आ जाए तब तक रहना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बंधु, आप सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 36x36 कौम के युवा आज दिल से यहां पर विराजे हैं और यहां तक पहुंचे हैं, और मैंने मेरी जिंदगी के अंदर पिछले 3 महीनों के अंदर कई दबाव आए होंगे, कई लोगों ने मुझे भ्रमित किया होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। आज रे इस कार्यक्रम के अंदर दिव्यांग छात्रावास से मेरे दिव्यांग बंधु भी पधारे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये दिल से आए हैं, कुछ तो इनके मन में भी पीड़ा है, अग्रिम पंक्ति में लास्ट पंक्ति तक बैठने वाला हर एक युवा के मन में पीड़ा है, आखिर विश्वविद्यालय की आवाज को उठाएगा कौन, जो एक आम छात्र की आवाज को जानता है, आम छात्र की पीड़ा को जानता है। क्योंकि मत पूछ मेरी मंजिल कहां है, मैंने तो भी चलने का इरादा किया है, क्योंकि न कभी हारा हूं न कभी हारूंगा, क्योंकि ये वादा मैंने किसी और से नहीं अपने आप से किया है, अपने आप से किया है। बंधु, आप सभी युवा शक्ति अगर मेरे साथ में मजबूती के साथ में खड़ी रहेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं 27 तारीख का परिणाम कुछ और होगा, लेकिन आप सभी युवा साथियों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक मैं सफल हो चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ ये बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पर मैं लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। क्योंकि दीवार में कील ठोकने के लिए हाथ में हथौड़ा उठाना पड़ता है। याद रखिए, तकिए से कभी कील नहीं ठोकी जाती है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारों। लेकिन आप वास्तविकता को परखो, वास्तविकता को जानो। अगर वास्तविकता के अंदर मोती सिंह फर्गसन ग्राउंड के अंदर नहीं है तो कह दीजिए मोती सिंह फर्गसन ग्राउंड के अंदर नहीं है, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। लेकिन अगर ग्राउंड में हूँ तो आप सभी भाई मेरे साथ मजबूती के साथ में खड़े रहिए। क्योंकि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। अरे कौन कहता है किश्ती बदलने को, धारा को बदलो किनारे बदल जाएंगे, धारा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। बोलो आप सभी युवा हो, युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब अपनी रफ्तार पकड़ती है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। कहते हैं रामायण, जब रामायण चल रही थी उसके अंदर राम सेतु बन रहा था, उस राम सेतु के नींव में एक गिलहरी बाहर आती थी, पूंछ हिलाती थी, मिट्टी के अंदर डालती थी, फिर वापस चलती थी, फिर आती थी, फिर वापस जाती थी। वहां पास में बैठे किसी सज्जन ने पूछा कि है गिलहरी, तेरी इस मिट्टी से क्या राम सेतु बन जाएगा? लेकिन बंदे उस गिलहरी का जवाब बड़ा शानदार था। उसने कहा कि मेरी इस मिट्टी से राम सेतु तो नहीं बनेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो गिलहरी का नाम भी आएगा, इतिहास लिखा जाएगा। बंदो ये जुनून होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। जब तक जुनून है तजुर्बा नहीं होगा, कुछ करने की क्षमता नहीं होगी, अटल विश्वास नहीं होगा, दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक आप गली के अंदर गिली डंडा खेल सकते हो, सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। जब तक जुनून है तजुर्बा नहीं होगा, कुछ करने की क्षमता नहीं होगी, अटल विश्वास नहीं होगा, दृढ़ संकल्प नहीं होगा, एक साधारण परिवार में जन्म ले सकते हो, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन सकते। तो बंधुओं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मेरे भाई को एक तरफा सपोर्ट किया है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इस बात को सब लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन यही पावर, यही ताकत आप सब लोग मुझे धरातल के ऊपर भी अगर दिखा दो तो फिर पीछे कोई दिक्कत नहीं है। आप सब मजबूती के साथ में अपने भाई के साथ में खड़े रहिएगा। आप में से कितने जने मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि 27 तारीख तक हम सब युवा अपने भाई के साथ में बिना कोई जाति को देखे, बिना कोई धर्म को देखे, मजबूती के साथ में, एक संघर्ष के साथ में, एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए युवा के साथ में खड़े हैं, तो दोनों हाथ ऊपर उठकर मुझे यह विश्वास दिला दीजिए कि हम सब आपके साथ में हैं। हम सब भारत माता की वंदे। दोनों हाथ ऊपर करके पूरे जोश के साथ में बता दीजिए, भारत माता की कोने कोने से पधारे हुए समस्त युवा साथियों का, प्रबुद्ध नागरिक जनों का, आदरणीय गुरुदेव का,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने भाई को यहाँ पर पधार कर इतना मान एवं सम्मान दिया। आप सभी का 27 तारीख कर अपने भाई के ऊपर इतना ही आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही प्यार बना रहे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने रक्त की पसीना इस 7 साल तक लगातार पसीना इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहाया है। आप सब भाई लोगों के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो वो किसी फर्सूल पीछे नहीं हटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी युवा साथियों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और हॉस्टल के वार्डन साहब भी पधारे उनको भी प्रणाम करते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मोती सिंह जी जोधा। आप सभी युवा साथियों से निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर भाई को विश्वास दें, हम सब हम सब हम सब हम सब यही जोश और जुनून बना रहे। अब दो वक्ताओं का उद्बोधन है, उसके बाद भोजन की व्यवस्था है, फिर इस कार्यक्रम को अपन समाप्त करेंगे। अब मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय ईशान सिंह जी गरीब कहानी सेना जिला अध्यक्ष मंच पर पधारे। एक प्रयाग सिंह जरूर कुछ कहना चाहते हैं शोध में। मोती सिंह जी आप हिम्मत रखो, संघर्ष हम करेंगे आपके लिए, संघर्ष हम करेंगे, सारे छात्र करेंगे। अब मेरे शांत सिंह जी गरी, शांत सिंह जी गरी, आदरणीय शांत सिंह जी निवेदन देगा कि आप मंच पे पधारें। आदरणीय शाम सिंह जी गरी साहब से निवेदन है कि थोड़ा आप मंच में पधारें। हमारे बीच में जसवंत सिंह जी टीम भरोस के श्री शाम सिंह जी जोधा और गायक सिंह जी जोधा पधारे हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय शाम सिंह जी जोधा और गायक सिंह जी, आदरणीय शांत सिंह जी गरीब से निवेदन रहेगा कि आप जहां कहीं भी मंच में बना रहे। अब मेरा निवेदन रहेगा आगे की कड़ी में शांत सिंह जी थोड़ा लेट हो रहे थे, अगले रखेंगे। आगे की कड़ी में आदरणीय रतन सिंह जी जोधा सरपंच फालसुन। आदरणीय रतन सिंह जी साहब, अब जो भी युवा अपना कोई उद्बोधन रखना चाहे तो मंच पे आ सकता है। निहार सिंह भाटी लॉ फैकल्टी से बता रहे हैं, निहार सिंह भाटी। बोलिए चामुंडा माता की, बोलिए चामुंडा माता की। भाइयों, मैं सभी आपको मोती सिंह जी जोधा जो संघर्ष कर रहे हैं, आप उनका समय ना देखिए, उनके कर्मों को देखिए। इन्होंने विश्वविद्यालय जय नारायण विश्वविद्यालय के लिए अपने कर्म 7 साल दिए हैं। तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा मेरा कि आप सभी मोती सिंह बन के इस चुनाव के अंदर मोती सिंह जी जोधा को आप सभी अपने मतों को मोती सिंह जोधा के लिए दे। और मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। मोती सिंह जोधा, मोती सिंह जोधा। आगे की कड़ी में रामेश्वर जी सर्वप्रथम मंच पर विराजमान, गुरुवर आपके चरणों में वंदन नमन। स्वर्गीय श्री भुवन सिंह खारा हमारे क्षेत्र फलोदी से अमर शहीद छात्र संघ अध्यक्ष, आपके भी चरणों में वंदन नमन। मां भगवती के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगा है वास्तव में एक कितना जोग और संजोग है। समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले भाई मोती सिंह